एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है एक डिजिटल गुरुकुल पे। तो जहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं पाइथन ट्यूटोरियल है। तो जो मैंने पाइथन ट्यूटोरियल के पार्ट 1, 2, 3, 4 है वो सब तो मैं पहले ही बना के अपलोड कर चुका हूँ अपने चैनल पे। अगर आपने नहीं देखा जाइए देखिए उनको, क्योंकि आप उनको देखेंगे तभी आगे का सीख पाएंगे। तो जो प्लेलिस्ट का लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या फिर आप चैनल पर जाके एक्सेस कर सकते हैं एट योर चॉइस। ठीक है, तो दोस्तों आज जो है ना हम पढ़ने वाले हैं पाइथन के कुछ और बेसिक्स। पाइथन के चैप्टर 5 तक आ गए हैं, आप लोग समझ सकते हैं। तो आज के जो टॉपिक्स है ना, हम क्या क्या उसके क्या चीज के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हमारे पहला टॉपिक जो है हमारा लिस्ट है, लिस्ट लिस्ट स्लाइसिंग टपल। ठीक, तो ये तीनों क्या होते हैं, ये भी तीनों जो है पाइथन के बेसिक्स के ही कुछ फंक्शंस कमांड्स हैं जिनको आप यूज करके आगे चल के बहुत ज्यादा यूज भी होते हैं ये, क्योंकि इम्पोर्टेंट चीज है ये। अगर आपने यहाँ थोड़ी जो है मिस्टेक करी तो आगे चल के आपके जो है पाइथन में वो आपको थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, खासकर जो आपका लिस्ट एंड लिस्ट स्लाइसिंग। टपल आप फिर भी ना करें तो ऐसा कोई नहीं है, वैसे तो ये ऑप्शनली होता है ज्यादातर, बट ये भी जो आपके इम्पोर्टेंट आते हैं वैसे तो बहुत इम्पोर्टेंट होता है आपका लिस्ट एंड लिस्ट स्लाइसिंग जो है, ये दोनों बहुत इम्पोर्टेंट है, ये सब आपको सीखने ही पड़ते हैं। हमारा जो पहला टॉपिक है ना वो हमारा लिस्ट है। तो दोस्तों मैं आज की जो वीडियो है ना वो आपको मैं सीधे सीधा सारा आईडी में समझाऊंगा, यानी कि मैं अपने आइडल में ही समझाऊंगा आपको। तो ना उसके लिए आपको अपना पहले आइडल ओपन करना पड़ेगा। आप अपना आइडल ओपन कीजिए, आप वीएस कोड यूज कर रहे हैं या फिर कोई और आईडी पहचान हो गया, कोई भी आप यूज कर रहे हैं आप उसमें आ जाइए, आप उसमें हम भी यूज कर सकते हैं। तो ये जो है ये हमारी आईडी है, क्योंकि मैं इसी में यूज करता हूँ और ये पाइथन का इनबिल्ट आईडी है, यहाँ पे आप जो है आराम से यूज कर सकते हैं। हाँ बट फंक्शन इसमें है नहीं, तो हम यहाँ पे ना आज जो है ना न्यू फाइल बनाने करेंगे। तो हम यहाँ पे पहले कर लेते हैं न्यू फाइल को क्रिएट। तो ये रही हमारी एक न्यू फाइल। आज की जो वीडियो में है ना हम तो पहले देखेंगे लिस्ट हमारी होती क्या है। लिस्ट अगर मैं आप लोगों को ऐसा बताऊँ कि ये कलेक्शन होता है ऑर्डर्स का, यानी कि आप मान लो कि आप मार्केट जा रहे हैं, आप अपनी लिस्ट बना रहे हैं कि आपको मार्केट से क्या क्या जो बाय करना है क्या नहीं करना है, आप अपने बजट के अकॉर्डिंग देख रहे हैं कि आप कहीं जा रहे हो आप, तो उसमें लिस्ट लिस्ट बना रहे हो जैसे कि मैं ये है बाय करना है। तो उसी तरह पाइथन में भी कोड्स में ये लिस्ट होती वर्क करती है। नहीं तो एक बात बताऊं कि आपको कि जिस तरह से आप मान लीजिए कोई आपने लिस्ट में कोई चीज़ गलत लिख दिया हो या फिर आप चाहते हैं कि उसकी जगह मैं कुछ और लेना चाहता हूँ, तो लिस्ट में आप जो है ना उसको चेंज आउट कर सकते हैं ना, तो फिर आप इसमें भी जो है चेंज कर सकते हैं। क्योंकि मैं आपको ये चेंज वाला इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि लिस्ट और टपल में ज़्यादातर है ना लोग कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि लिस्ट और टपल होते क्या है। तो बेसिकली जो है ना इन दोनों सेम कंटेंट तो होते नहीं है, तो एक तरह से सेम वर्क कर सकते हैं ये। तो इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि ये चेंजेबल है, लिस्ट जो है चेंजेबल है, उसको आप चेंज कर सकते हैं। तो लिस्ट आपकी ये होगी, आप इसको यूजेस कैसे कर सकते हैं। तो यूजेस के लिए अगर आपको बताऊँ तो ये हमारा है आईडी। तो अगर मान लीजिए मैं यहाँ पे फ्रूट्स नाम का वेरिएबल दे, ठीक है, तो मान लीजिए मैंने फ्रूट्स नाम का वेरिएबल दे दिया। अब मैं आप लोग को बता दूँ कि जो लिस्ट है ना आपकी स्क्वायर ब्रैकेट्स में जो है लिखी जाती है और आपको जो है ब्रैकेट्स लगाना पड़ता है। अब इसमें मतलब क्या हुआ लिखने का मेरा, और आप इसमें ऐसा कर कह सकते हैं, आप चाहते हैं कि एक लिस्ट बनाइए आपने जिसमें आपने कई सारे फ्रूट्स बाय करने से एप्पल बनाना मैंगो जो भी आपको बाय करना हो, तो आप वैसी लिस्ट बनाते हैं एकदम लाइन वाइज लिखते हैं। तो उसकी तरह सेम होता है यहाँ पे कि आप यहाँ पे जो है एक लाइन वाइज चाहे आप कुछ ऐप उसमें लिख सकते हैं, जैसे कि अगर फॉर एग्जाम्पल मैं आपके करूँ एप्पल लिख दूँ और मैं अगर उसको ऐसे ऐसे क्लोज कर दूँ, तो ये आप जान सकते हैं कि एप्पल जो है हमारे इन्वर्टेड कॉमास में और ये स्टिंग हुआ हमारा। लेकिन बट क्या होता है कि हम उसको ब्रैकेट्स में लिखे या ना लिखे ऐसा कोई होता नहीं, लेकिन प्रिंट में ऐसे होता है, हम वेरिएबल में इक्वल टू कर कैसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमने स्क्वायर ब्रैकेट लगाने पड़ते हैं किसी चीज़ को लिस्ट में बनाने के लिए। अब पाइथन इतना स्मार्ट है कि वो समझ जाएगा कि आप जो है लिस्ट बनाने जा रहे हैं, तो अगर आप यहाँ पे आगे चल के इसको बताएंगे नहीं ना तब भी आपका जो है लिस्ट समझेगा, लेकिन कहीं कहीं वो होती है वो समझ नहीं पाता है। तो मान लीजिए यहाँ पे मैं और फ्रूट लिखना चाहता हूँ, कि मैं चाहता हूँ कि हमारे पास जो है मैंगो भी लाना है मुझे अपने मार्केट से, तो मैं मान लो ऐसे लिख दिया। तो यहाँ पे आया ना आपकी लिस्ट बन गई है। तो लिस्ट में आप क्या क्या मंगा सकते हैं जो भी आपको चाहिए, जैसे कि एप्पल में है लिस्ट में, ठीक है, मैंगो है, और भी ऐसे फ्रूट होते हैं फ्रूट्स, जैसे कि आप बनानास भी लिख सकते हैं, बनानास को भी, ठीक है,
तो यहाँ पे ना इसको अगर क्लोज कर देते हैं। हाँ तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इनको जो है कोमा से किया सेपरेट। मैंने इसको कोमा से सेपरेट इसलिए किया है कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो है कि यहाँ पे हम लिस्ट बनाए और यहाँ पे हम जो है एक ही वेरिएबल में कई सारे जो है लिस्ट दे दें, कि कई सारी चीज़ें दे दें, कई सारे स्ट्रिंग्स दे दें या इंटीजर्स दे दें, फ्लोटिंग वैल्यूज दे दें। तो बेसिकली लिस्ट को भी आप ऐसी वर्ड टर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या था कि हमने इसको कॉमासिस किया सेपरेट। अगर आप जो लिस्ट में है ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाना कंपलसरी है, आप कॉमा यहाँ पे तब लगाएंगे जब आपके जो आप अलग अलग कंटेंट लिख रहे हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पे दो अलग अलग कंटेंट है एप्पल और मैंगो के बीच में, और यहाँ पे हमारा कॉमा जो है सेपरेटर यहाँ पे यूज हो रहा है। तो यहाँ पे आप सेपरेट करने के लिए लगा सकते हैं किसी दो स्ट्रिंग्स के बीच में, इंटीजर्स के बीच में या फ्लोटिंग वैल्यू के बीच में। मैंने ये दे दिया अपने एक लिस्ट। तो इतने लिस्ट के आपको कुछ बताना चाहूँगा कि ये मैंने आपको बता दिया कि लिस्ट जो है वो चेंज हो सकती है और जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखे जाते हैं। हाँ तो अगर मैं चाहूँ कि इसको मैं प्रिंट करना चाहूँ, प्रिंट फ्रूट्स नाम का वेरिएबल मैं चाहूँ प्रिंट करना, तो अब मैं इसको करूँगा पहले तो सेव, सेव करूँगा तभी जाके होगा ये वर्क। तो फिर मैं जाऊँगा रन के ऑप्शन में, तो पहले करूँगा रन मॉड्यूल और यहाँ पर मैं करूँगा ओके। तो यहाँ पे आप देखेंगे ना कि आपके सेव करने के लिए पॉप अप विंडो ओपन हो जाएगी, ठीक है। तो मैं तो चाहता हूँ कि मैं जो है सेव करूँ इस फोल्डर में करूँगा मैं सेव, क्योंकि यहाँ पे जो है मैं अपने पहले के जो को है पहले के कोड जो है आपको मैंने बताए थे पिछली वीडियोस में वो यहाँ पे मैं करूँगा, ठीक है। तो पे मान लो कि मैं आपको फाइल नेम लिख देता हूँ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लिस्ट प्रैक्टिस, ठीक है। वहाँ मैंने ऐसे लिख दिया, मैं इसको करूँगा सेव। अब मैं चाहूँ तो इसको रन करूँ, अगर मैं इसको रन करूँगा ना तो आप एज इट इज देख सकते हैं एप्पल मैंगो बनाना जो है वो आपका प्रिंट हो गया है फ्रूट्स नाम के वेरिएबल्स में है जो लिस्ट बनाई है मैंने। बट आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ पर भी स्क्वायर ब्रैकेट भी आ रहा है, बट यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास नहीं सिंगल कॉमा आ रहा है, क्यों? क्योंकि इसका जो हम प्रिंट करते हैं ना तो इसका प्रिंट करने का मैथड ही है, ये प्रिंट करने का आपका मैथड है कि किस तरह से जो है आपका ये प्रिंट हो रहे हैं, किस तरह से नहीं हो रहे हैं। इससे यही जो है अब यहाँ देख सकते हैं आप कि आपके बीच में थोड़ा स्पेस भी है, यहाँ पे भी स्पेस है, तो इन सब की भी हम आगे हटाएंगे। सो आई होप आपको ये तो समझ में आएगा, ये तो आपको पहले ही पता है कि आप कोई भी वेरिएबल आप प्रिंट कर सकते हैं, तो आपका यहाँ पर आ रहा है। अब बात आती है ना इसमें भी जो है ना लिस्ट निकालने के लिए भी आपके कुछ ऑपरेशंस होते हैं, जैसे कि मान लो कि आपको जो है निकालना है कि आप फर्स्ट फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, सेकंड पोजीशन पे क्या है, एंड थर्ड पोजीशन पे आपका क्या है, ठीक है। तो मान लो कि यहाँ पे हमको कैसे निकालना चाहेंगे, तो पहले मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे मैं लगता हूँ प्रिंट, ठीक। तो यहाँ पे मैं प्रिंट करूँगा क्या, फिर लिखता हूँ मैं फ्रूट्स। अब मैं चाहता हूँ कि इसको स्क्वायर ब्रैकेट में मैं यहाँ लिखता हूँ पहले तो ऊपर, तो ब्रैकेट क्लोज, उसको तो मैं करूँगा पहले रन, फिर मैं आपको शो करूँगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। अब यहाँ देख सकते हैं आप कि मैंने यहाँ पे जब प्रिंट किया फ्रूट्स, तो यहाँ पे मेरा जो है मैंगो क्यों प्रिंट हुआ, हमने यहाँ पे फ्रूट्स यहाँ पे वन को जो स्क्वायर ब्रैकेट्स में क्यों लिखा। अगर आपने मेरी पिछली वीडियो उसको देखा हो तो हमने जो है यहाँ पे पिछली वीडियो में जो हमारा पार्ट 4 था उसी में हमने पढ़ा था इंडेक्सेस के बारे में, इंडेक्सिंग के बारे में मैंने आपको बताया था उस पर कि इंडेक्सिंग जो है वो होती क्या है, किस तरह से काम करती है। तो बेसिकली यहीं पे यही हो रहा है कि यहाँ पे मान लो कि मैंने लिखा फ्रूट, फ्रूट जो हमारा वेरिएबल है जो इस पूरे लिस्ट को या किसी स्ट्रिंग को कर रहा है, होल्ड कर रहा है, तो उसको जब प्रिंट करेंगे और हम चाहते हैं कि जो प्रिंट हो उसके इंडेक्सिंग पॉइंट पे जो वन है, ठीक है। इंडेक्सिंग पॉइंट पे जो आपका है नंबर यहाँ पे लिखा मैंने, और जो मैंने बिना इंडेक्सिंग के लिखा तो इसने किया पूरा प्रिंट, और मैंने जो इंडेक्सिंग से लिखा तो इसने किया सिर्फ मैंगो प्रिंट, और वन इंडेक्स पे क्या है हमारा मैंगो। अब मैं इसी के साथ जो है यहाँ पे इसको मैं कर लेता हूँ पहले क्लो, ठीक है। तो कंट्रोल सी करके मैं करूँगा कंट्रोल वी। अब मैं यहाँ पे आप लोग सारा बता दूँ, जीरो नहीं यहाँ पे मैं वन करता हूँ, ठीक है वन करता हूँ, इसको काट के मैं जीरो कर देता हूँ। मैं नेक्स्ट टाइम में आता हूँ और यहाँ पे जो है मैं प्रिंट करवा देता हूँ टू, सॉरी। अब यहाँ पे मैंने ऐसा क्यों कर, अब मैं आपको कुछ दिखाना चाहूँगा, यहाँ पे आपको जो है अच्छे से क्लियर होगा
इसलिए मैंने जो इनको तीनों को इंडेक्स किया। अब एज यू कैन सी कि यहाँ पे जो हमारा ये एप्पल मैंगो बनाना जो हमारा फ्रूट्स का सिंपल एज इट इज प्रिंट हो गया, हमने जो वेरिएबल दिया था वेरिएबल में जो था इसने उठा के यहाँ पे लिख दिया। अब यहाँ पे हमने जो फ्रूट्स है, जो फ्रूट्स के बाद हमने जो स्क्वायर ब्रैकेट, इंडेक्सिंग को लिखने का तरीका होता है ये कि आपको जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वो नंबर लिखना होता है डिजिट। तो यहाँ पे जो है इंडेक्सिंग हो गई है, तो मैंने लिखा यहाँ पे जीरो, तो जीरो इंडेक्स पे जो है हमारा फ्रूट का नेम तो वो आ गया हमारा एप्पल। सेम उसी तरह जो आपका है, तो सर सेम उसी तरह आपका जो है वो मैंगो है हमारी इंडेक्सिंग नंबर वन पे, और जो बनाना है वो इंडेक्सिंग नंबर टू पे। अब तो ये बात तो होगी हमारी कि अगर आपके चाहे इंडेक्सिंग निकालने के लिए, यानी कि आपने मान लिया कि आपने एक नंबर्स की लिस्ट बना दी जिसमें आपने इतने ज़्यादा नंबर्स लिख रखे हैं, जैसे कि आपने 100 तक काउंटिंग लिख रखी है उस पूरे के पूरे लिस्ट में, और आप चाहते हैं कि आप निकालना चाहते हैं कि उसमें 78 इंडेक्सिंग पे कौन सा है, या फिर आपने किसी एम्प्लॉयज़ के लिए कुछ लिस्ट बना दी और आप उसमें चाहते हैं कि फिफ्थ इंडेक्सिंग पे कौन सा है, तो इसलिए जो है ये यूज़ हो जाता है, यूज़ होता है ये। तो यहाँ पे आई होप आपको समझ में आ गया हो इंडेक्सिंग का कैसे निकालते हैं कैसे नहीं निकालते हैं। तो अब बात आती है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है क्या है। तो अब जो है ना हमारी बात आती है कि मान लो कि आपने कोई एक बहुत लंबी लिस्ट बना दी और आपको नहीं पता कि उसमें जो आपकी लिस्ट में कितने ज़्यादा नेम है। मान लो कि एम्प्लॉइज के लिए आपने लिस्ट बना दिया और आपको आपको पता नहीं है कि उसमें कितने ज़्यादा अपने एम्प्लॉयज लिख रखे हैं। अपने एक जगह लिख रखे कि आप 10 एम्प्लॉय, और मान लो आपको लग रहा है कि यहाँ पे आपको जो आपने लिस्ट बनाई है उसमें 11 एम्प्लॉयज आपको शो हो रहे हैं। तो इसलिए हम जो है ना एक यूज़ करते हैं कमांड जो कि हमारा लेन कमांड है। उसको तो हमें प्रिंट में लिखना, क्योंकि हमें प्रिंट करवाना किसी भी चीज़ को तो हमें प्रिंट लिखना ज़रूरी है। लेन चाहिए मुझे किसकी, फ्रूट्स की, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा फ्रूट्स, कर दूंगा ब्रबर बकर फ्रूट्स। अब यहाँ पे क्या करेगा, लेंथ जो है उस पूरे के पूरे वेरिएबल में बताएगा कि उस लिस्ट में आपने कितने चीज़ें को लिख रखा है। तो यहाँ पे मैं पहले इसको रन करके आप लोगों को शो करना चाहूँगा यहाँ पे आपका रन होके क्या आएगा। मैं इसको तो पहले कर देता हूँ मेरा शेल का मेरा, ये तो यू कैन सी कि यहाँ पे हमारा ये प्रिंट हुआ फ्रूट्स का, यहाँ पे इंडेक्सिंग का जो है तीनों प्रिंट हुआ। अब यहाँ पे हमारा थ्री हुआ, क्यों, इसका क्या है जो आपका रीज़न हुआ, क्योंकि हमने लेंथ पता लगानी चाहिए। ये लेंथ की शॉर्ट फॉर्म है लेन, जो आपके ये हेल्पफुल होता है किस लिए कि आप जो है किसी लिस्ट की जो है उसकी लेंथ फाइंड आउट करने के लिए जो है यूज होता है। तो आई होप आपको ये जो दो कमांड जो है वो आपको समझ में आ गए हो। तो बेसिकली यही यूज़ होता है। मान लो कि यहाँ पे मैं कई सारे जो बड़ा चीज़ का है उसमें दे दूँ, मैं इसमें क्या कर दूँ कि पहले तो इसमें ऐड, यहाँ पर मैं एक और ऐड करता हूँ, ठीक है। तो उसको स्ट्रिंग है ये हमारा, तो इसको मान लो मैंने ग्राफ्स जो इसमें ऐड कर दिया, मैंने ग्राफ्स लिख दिया। ठीक है, तो मान लो ग्राफ्स लिख दिया, अगर स्पेलिंग वाले तो इग्नोर इट। तो मान लो मैंने ये लिख दिया, अब मैं इसको दोबारा रन करूँ पहले तो इसको, तो मैं पहले कर देता क्लोज। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप तीन ही है। अब मैं जब इसको दोबारा करूँगा ना रन, मैं सेम करता हूँ, काम करता हूँ, तो मैंने करा इसको रन। अब यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे हमारा प्रिंट हुआ क्या, क्योंकि यहाँ पे जो था यहाँ पे हमारे तीन थे, यहाँ पे लिस्ट बनाए हुए थे, यहाँ पे हमारे तीन जो है प्रिंट हुआ। अब यहाँ पे हमने चार बना दिए थे, यहाँ पे हमारा चार जो है वो लेंथ प्रिंट हुआ। तो लेंथ का बेसिकली यूज़ आपको समझ में आ गया हुआ है आई एम श्योर कि यहाँ पे आपकी लेंथ यूज़ करने के लिए होता है। तो अब जानते हैं ना इसके नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट इसके ऑपरेशन पे। तो मैं तो अपने तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है ना वो है, मान लो कि आपने कितनी बड़ी लिस्ट बना दी, आप चाहते हैं कि यहाँ पे आप इसको ऐड, यानी कि यहाँ पे आप इसको जो है चेंज ना करना चाहें, और यहाँ पे आपका जो है नेक्स्ट जो है चेंज वाला प्रिंट, ठीक है, समझ रहे ना। मान लीजिए आपकी एक इतनी बड़ी लिस्ट है और आप चाहते हैं कि उसमें से कोई सा भी एक जो नाम या नंबर है, ठीक, उसको आप कहते चेंज करना चाहते हैं, तो उसको चेंज करेंगे कैसे। तो यहाँ पे तो मैं पहले प्रिंट कमांड को यूज़ कर लेता हूँ, तो जो है कि उसमें चेंज करना है, तो चेंज करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है। तो पहले तो जो है अपना जो है वेरिएबल दिया उसका नाम लिख लीजिए, ठीक है। तो आप इसको स्क्वायर ब्रैकेट में इंडेक्स लिखिए, कौन से इंडेक्सिंग वैल्यू को आप जो है चेंज,
तो मान लो मैं जो है जो हमारा बनाना लिख रहा है थर्ड पे, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ टू। हमारी इंडेक्सिंग इंडेक्सिंग जो है वो टू है बनाना की, याद रखिएगा। इंडेक्सिंग जो है इंपॉर्टेंट चीज़ है, बी रिमेंबर्ड इट। मैंने ये लिख दिया, अब मैं क्या करता हूँ इक्वल टू, अब मैं चाहता हूँ कि इसकी जगह जो है कुछ और प्रिंट हो, ठीक है। तो मान लो मैं इसकी जगह जो है ऑरेंज प्रिंट करता हूँ, तुम्हारा स्ट्रिंग है ये, तो मैं ऑरेंज लिख देता हूँ यहाँ पे। ऑरेंज को मैं चाहता हूँ कि प्रिंट हो, तो अब मैं इसको करूँगा दोबारा रन। अब यहाँ पे मेरा जो है क्या रन होगा, जिस टाइम यहाँ पे मेरा जो है एरर शो किया, यहाँ पे मेरा एरर शो करा, तो मैं एक काम करता हूँ कि इसको मैं किसी वेरिएबल में लिख देता हूँ। तो मैं ये नाम का वेरिएबल दे देता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फ्रूट्स इंडेक्सिंग वैल्यू जो हमारी टू है बनाना की, और इक्वल टू ऑरेंज। ऑरेंज लिख दिया मैंने, ये कर दिया। तो मैं चाहता हूँ कि जो मेरा प्रिंट हो, जो हमारा वेरिएबल ए है, तो एक बार इसको भी कर लेते हैं, एक बार रन की अगर ये हो रहा है कि नहीं हो रहा, नहीं होगा तो फिर हाँ, क्योंकि यहाँ पे जो है हमारा सिर्फ और सिर्फ यही प्रिंट हुआ ऑरेंज। क्यों क्यों इसको तो पहले तो मैं कर देता हूँ क्या फ्रूट्स को प्रिंट, देखते क्या इसका चेंज हुआ कि नहीं हुआ। तो मैं इसको करूँगा दोबारा रन, देखते हमारा जो है चेंज, यस 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 यस। तो हमारा देख सकते हैं चेंज हो गया, ये जो लिस्ट है हमारी बिना चेंज वाली है और ये जो लिस्ट है हमारी चेंज्ड वाली है। तो ये पता नहीं क्यों नहीं होता प्रिंट कमांड, वैसे तो मैंने एक न्यू वेरिएबल देके करा तो ये हो गया। ये बात आ गई हमारी इस चीज की। तो आई एम प्रिटी श्योर आपको तो यहाँ तक आपको पता लगे कि यहाँ पे जो है इस चीज़ को चेंज करने के लिए आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो है चेंज भी हो रखा है, मैं यहाँ पे इसको इसलिए प्रिंट किया। अगर आप सोचे क्यों प्रिंट किया, तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि हमने क्या क्या लिखा है। तो मैं दिखाना चाहूँगा यूज़र को कि मैंने ये लिख रखा है, तो इसलिए मैंने लिख रखा है, ठीक है। तो इसको मैं अगर आप हटाना चाहें तो इसको आप कमेंट आउट कर सकते हैं। तो कमेंट आउट करने के लिए जो है एक हैश लगा दीजिए। हैश क्या करता है, जो आपके कोड्स होते हैं ना वो आपका आईडी पढ़ता नहीं है, उसको बस आप एक सिंपल स्टेटमेंट हम यहाँ पर मैं रखें स्टेटमेंट मान के इसमें आपका आईडी का, ठीक है। तो बेसिकली हमारा यही था कि आप किसी चाहते हैं कि लिस्ट में किसी का नाम जो है चेंज करना चाहते हैं, अब इससे आप इसको अजय बनाना चाहते हैं, तो यह है हमारा यूज़ होता है इसको, ये हमारा ऑपरेशन जो यूज़ होता है उसको उसमें आपकी हेल्प करने के लिए। तो यहाँ पे आता है ना हमारा अगला ऑपरेशन। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया हो तो एक लाइक जरूर बनता है, कर देना भाई प्लीज़। अब मान लो आपने ऐड कर लिया, अब आप चाहते हैं आप ऐड करना नहीं चाहते, तो इसमें क्या है कि अगर आपका मान लो आपने कंपनी के एम्प्लॉयज़ का नाम लिखा, उसमें एक कंपनी का एम्प्लॉय जो है वो आपके कंपनी में वर्क नहीं करता है वैसा, तो आप उसको आप डिलीट कैसे कर पाएंगे, क्योंकि उसको आप हटा कैसे पाएंगे। यहाँ पर हटाने से अच्छा है कि आप इसको जो है आप इसको रिकॉर्ड के लिए रख सकते हैं। तो उसमें पहले कर दो कैसे, मान लो कि मैं इसको रिकॉर्ड के लिए रख देता हूँ कि हमारा पहले ये था अब नहीं है, हमारी न्यू लिस्ट बन जाएगी। तो ये भी हमारा जो है न्यू वेरिएबल में होगा, क्योंकि ये प्रिंट में ये वर्क नहीं करेगा फ्रूट्स। अब मान लो कि यहाँ पे क्या मैंने ये दे दिया, अब जो हमारा रिमूव करने के लिए क्या होता है ना कि एक नाम होता है डॉट रिमूव। डॉट रिमूव नाम के क्या होता है कि डॉट के बाद जो भी नंबर लिखे जाते हैं ना, मीन्स किसी वेरिएबल के साथ अगर जो भी डॉट करके कुछ उसके बाद लिखा जाए ना उसी के साथ साथ एक वर्ड, तो मतलब कि समझो ना कि वो एक स्पेशल वर्ड है जो कि आपके एक इनबिल्ट पाइथन के जो आपके यूज होता है। तो आप चाहते हैं कि किस नंबर को जो है आप इसमें हटाना चाहते हैं, तो मैं क्या करता हूँ इसमें जो है मैं मैंगो को हटा, अब मैं इसको करूँगा मैंगो को हटाऊंगा, तो मैं इसको दोबारा करूँगा प्रिंट फ्रूट्स प्रिंट। तो क्या हमारा जो है फ्रूट्स में जो मैंगो है वो रिमूव हुआ कि नहीं हुआ, ये हम देखते हैं पर हमारा जो फ्रूट्स रिमूव हुआ कि नहीं। तो ये यहाँ पे होगा रन, अब नाउ यू कैन सी कि हमारे इसमें से मैंगो जो है वो रिमूव हो चुका है, डिलीटेड हो चुका है। ये जो हमारी लिस्ट थी ये हमारी उसकी लिस्ट थी जिसमें हमने ऐड किया था, ये हमारी सबसे पहली लिस्ट थी जिसमें मैंगो था, और यहाँ पे हमने जब इसको डिलीट किया तो मैंगो जो हमारा डिलीट हो गया। यहाँ पे इसका जो यूज़ है ना, हमें ऐसे पता है ना कि आप मान लो कि कंपनी में कोई एम्प्लॉय चला गया, तो लेकिन आप चाहते कि उसका रिकॉर्ड रहे इसमें, उसका नाम रहे, तो यहाँ पे मैंने उस एम्प्लॉय को मैंगो नाम दिया था, तो अब वो छोड़ के चला गया तो उसकी नेम लिस्ट आएगी, इसमें मैंगो है प्रिंट नहीं हुआ, वो एम्प्लॉय का नाम प्रिंट ना हुआ। तो ये थे कुछ बेसिक्स लिस्ट ऑपरेशंस थे ये जो आपकी
यूजफुल होते हैं, वेरी वेरी यूजफुल्स होते हैं, आगे चल के ये आपके बहुत यूज़ करेंगे। तो अब जो है ना, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं हमारे जो नेक्स्ट जो लिस्ट ऑपरेशन है। तो ये जो यूजफुल काम बेसिक है, ये लिस्ट नहीं आपकी थोड़ा यूजफुल होगी, क्योंकि ये जो लिस्ट नहीं आपकी क्या काम करेगी कि आप देखेंगे कि आपकी जो लिस्ट में आपने जो नाम लिखा हो, नाम जो आपके लिस्ट में प्रेजेंट है कि नहीं। मान लो कि मैं क्या करता हूँ, पहले तो मैं आपको एक वेरिएबल दे करता हूँ, मैं इसको ना बिना वेरिएबल के भी कर सकता हूँ कि मैं ऐसे लिख दूँ, लेकिन मतलब मुझे लग रहा है एरर शो करेगा। तो मैं क्या करता हूँ गाइस, कि इसमें मैं एक वेरिएबल नाम से, ठीक है, तो मैंने वेरिएबल्स दे दिया। अब मैं चाहता हूँ कि जो तो मान लो कि यहाँ पे मैं जानना चाहता हूँ कि हमारा जो एप्पल है वो इस फ्रूट की लिस्ट में है कि नहीं, ठीक है। फ्रूट्स की लिस्ट में आपका जो एप्पल का नाम है वो है कि नहीं, तो फिर वो जो आपका स्ट्रिंग है, तो मैंने एप्पल लिख दिया। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि इन, इन जो क्या करेगा उसके अंदर जाएगा, इनका मतलब भी होता है कि अंदर है, ठीक है। तो यहाँ मैं चाहता हूँ कि यहाँ लिख दो F-R-U-I-T इस फ्रूट्स का नाम। अब मैं देखूँगा कि जो एप्पल है वो फ्रूट्स में है कि नहीं, तो मैं करूँगा तो प्रिंट पी, उसको करूँगा मैं दोबारा रन, तो यहाँ पे मेरा क्या शो होगा, यहाँ पे होगा टू शो। क्यों? क्योंकि एप्पल जो है आपके सभी लिस्ट में जो है वो प्रेजेंट है। तो ये बात हुई एक चीज की, लेकिन आप इसको एक और तरीके से लिख सकते हैं। अब एक और तरीका क्या है कि वो जो यूज करेगा आपका क्या चीज का, जैसे मान लो कि मैं एक और बार लिखूँ प्रिंट। अब जो मैं चाहता हूँ कि जो फ्रूट्स, फ्रूट्स आप चाहते हैं कि आप किसी इंडेक्सिंग पर देखना चाहें कि वो डिजिट प्रेजेंट है कि नहीं, ठीक है। तो मान लो मैं कोई एक नंबर ले लिया, मेरा 3 3 जो ले लिया मैंने। अब चाहता हूँ कि जो हमें चेक करें क्या वो इक्वल इक्वल है ग्रैप्स के। आपने जैसा लिख रखना है वैसे आपको जो है लिखना पड़ेगा, नहीं तो फिर आपको जो है फॉल्स शो कर देगा। इसको मैं करता हूँ एक बार दोबारा रन, अब यहाँ पे मेरा क्या शो होगा, तो मेरा आउट ऑफ रेंज होगा, जस्ट अ मिनट, मैं इसको करता हूँ चेक कि कोई नहीं। तो यहाँ पे तो पहले तो मैं अपना कर देता हूँ जो शेल है मेरा उसको तो क्लोज, ठीक। तो अब यहाँ पे जो मिस्टेक हुई है वो हुई है मेरी, आई डोंट नो वाई जो है ये क्यों वर्क नहीं कर रहा है। वैसे तो ये वर्क करना चाहिए एज प्रोबेबली, बट अगर आप ऐसे मेथड से करना तब भी जो आपका यूज़ हो सकता है। तो अगर मान लो कि मैं यहाँ पे जो है एक और चीज़ लिख देता हूँ, मान लो कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गुड, मैं इसको करूँगा दोबारा रन। तो पहले तो मैं इसको कर देता हूँ कमेंट आउट, मैंने कर दिया इसको कमेंट आउट। अब मैं इसको करूँगा दोबारा रन, तो इसको रन करने के बाद तो यहाँ पर मेरा फॉल्स हुआ। क्यों? क्योंकि हमारा जो गुड है वो फ्रूट्स में है ही नहीं, तो इसलिए जो है हमारा फॉल्स जो है वो प्रिंट करके दे दिया इसने। सो हाई, आई होप आपको यहाँ तक ये जो है क्लियर हो गया हो। तो हम बढ़ते अपने नेक्स्ट जो है हमारा बेसिक ऑपरेशन है। तो अब जो है ना, ये हमारा बेसिक ऑपरेशन क्या है, ये आपका बेसिक जो है ये सब तो आप तो जानते ही होंगे। अगर आपने मेरी पिछले की पिछले यानी कि पार्ट थर्ड वाली वीडियो देखी हो, तो उसमें जो हमने फोर लूप जो देखा था, फोर लूप को देखा था कि उसमें फोर लूप में अगर मान लो कि आपको जो ये लिस्ट है उसको आपको अलग अलग लाइन में जो है प्रिंट करवाना हो, तो एज यू कैन डू इट। तो मान लो कि आप मैं जो है एक वेरिएबल नाम देता हूँ टी, और मैं चाहता हूँ कि ये जाए मेरे वेरिएबल फ्रूट्स में, तो आप क्या कर दे कि प्रिंट कर दे हमारा टी, ओके। तो नाउ मैं इसको अगर मैं रन करूँ तो यहाँ पे मेरा क्या प्रिंट हुआ, फोर्स के नीचे एप्पल ऑरेंज ग्रेप्स। अब आप लोग सोचेंगे कि भाई कि आपने क्या बताया कि जब आपने उस वक्त किया था तो जो आपका हेलो आदित्य लिखा था वो तो हर एक वर्ड आपका एक अलग लाइन में आ रहा था, तो कुछ ये तो आएगा ही। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप लोग बता दो यहाँ पे क्यों नहीं आ रहा है, इसका रीज़न क्या है कि लिस्ट में जो अभी है वो प्रिंट होता है, तो आपको जो आपका फोर लूप हुआ है वो टी की हेल्प क्या करता है, किसी वर्ड में जाने के लिए नहीं, उस एक स्ट्रिंग्स को देखने के लिए। जो आपके बीच में कॉमा लगा हुआ है किसी के बीच में, तो वो कॉमा जो है आपके पहले वर्ड और उसके दूसरे वर्ड्स को देख कर वो प्रिंट करेगा। और आपको मैंने बताया स्टार्टिंग में कि आपका पाइथन का जो है इतना स्मार्ट है कि वो समझ आएगा कि आप जो लिस्ट में वर्क कर रहे हैं, तो ये जो है समझ चुका है कि हम लिस्ट में वो बना रहे हैं। तो ये जो आपका प्रिंट करके दे दिया इसने एप्पल ऑरेंज और आप ग्रेप्स। सो
यहाँ पर जो है ये भी हमारा जो है कंप्लीट हुआ। फोर लूप वाला तो बहुत इजी है, तो ये तो आप कर ही सकते हैं। वाइल लूप चलाना चाहे तो वाइल लूप चला के आप इसको फ्रूट्स को, फ्रूट्स वाली जैसे आप किसी चीज़ की भी लिस्ट बनाएंगे आप उसको यूज़ करते रहिए, फिर वो तो कभी एंड होने वाला है नहीं जब तक आप उसमें ब्रेक लगाएंगे नहीं। ब्रेक लूप तो आपको पता ही है, ब्रेक करने के लिए होता है यूज़। तो अब जो है ना ये हमारे कुछ बेसिक्स ऑपरेशंस थे, तो इसके आगे भी होते हैं। हमारा जो अगला बेसिक लिस्ट ऑपरेशन है तो वो जो बेसिकली यूज हो सकता है, मान लो कि आपने जो एक लिस्ट बनाया उसमें चाहते हैं कि आप किसी एक और एम्प्लॉय को जो है ऐड करना चाहते हैं, ठीक है। तो ऐड करने के लिए आप जो है बार बार यहाँ पे लिस्ट को आप वो तो करेंगे नहीं, तो सो इसलिए तो इसके लिए कि यूज होता है, क्या यूज होता है कि एक आपका एक ना एक एक्सटेंशन है कि आप मान लो कि उसमें जो ऐड करना है आपको फ्रूट्स डॉट अपेंड। तो फ्रूट डॉट अपेंड क्या है कि अपेंड का मींस क्या होता है ऐड करना किस चीज को। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे मेरा ऐड हो, यहाँ पे मैं फ्रूट नाम लेता चाहे मैंने दे दिया। अब जो है मैं चाहता हूँ कि जो प्रिंट हो फ्रूट्स, चाहता हूँ कि मेरा प्रिंट हो फ्रूट्स, तो तो मैं करूँगा एक और बार रन। अब मैं आपको दिखाऊंगा क्या क्या हमारा जो चेरी है वो उसमें ऐड हुआ। यस यस, ये हमारा हो गया ऐड, देख सकते हैं आप यहाँ पे हमारा जो चेरी है वो अपेंड हो गया है, ये ऐड हो गया है पूरी अच्छी तरह से, उसने बहुमत हासिल कर ली है। अब मैं आप लोगों को एक बात बता दूँ कि अपेंड का जो यूज़ होता है ना उसमें आपको ना जो वेरिएबल में लिखने की कोई ज़्यादा उसमें नीड नहीं होती है, वेरिएबल में मत लिखिएगा। अगर आप वेरिएबल में ऐसे लिख रहे हैं ना तो बेसिकली आपका थ्रो करेगा, क्योंकि जब मैंने सिखाया था मैंने भी ऐसी जो गलतियाँ करी थी कई की बार, तो मुझे पता लगा कि इसको आप बिना उसके वेरिएबल के लिखेंगे तभी जाके। तो आई होप आपको ये समझ में आया अपेंड का यूज़ क्या होता है। तो अपेंड का जो है ना आपका ऐसा यूज़ होता है, ये ऐड कर दिया इसने एक चेरी नाम का, मैंने दिया उसने चेरी नाम का यहाँ पर आके ऐड कर दिया। ओके तो अब नाउ जो है नेक्स्ट आती है हमारी, वो आती है न्यू बेसिक लिस्ट ऑपरेशन की। ओके तो हमारा जो न्यू बेसिक लिस्ट ऑपरेशन है ना वो अपेंड। अब मान लो कि आपको जो है वो क्या यूज करते हैं, वो यूज करने के लिए होता है कि आपने एक लिस्ट बनाई और आप चाहते हैं कि आपने मान लीजिए कि एक एक ही नाम का, जैसे कि आपने अजय अजय नाम के दो वो रख रखे हैं, दो रख रखे हैं, तीन नाम रख रखे हैं, आपको ये पता नहीं, आप जानना चाहते हैं कि उसमें कितने नाम हैं, तो उसको भी हम जो है हमें काउंट करने के लिए बोलते हैं। तो काउंट करने के लिए बस सिंपली एक ऐसे ही एक्सटेंशन है डॉट काउंट नाम का, तो उसको आप जो है आप उसको वेरिएबल में लिख सकते हैं ना लिख सकते हैं। वैसे मैं अपने शॉर्टकट के लिए जो प्रिंट कर देता हूँ और यहाँ पर जो है हमारा जो लिस्ट का नेम है हमने वो लिख दिया। अब मैं चाहता हूँ कि जो काउंट हो, क्या मैं चाहता हूँ कि इसमें जो है काउंट हो आपका बनाना से। तो यहाँ पे जो है ना ये आपका करना बनाना इसको काउंट, ठीक है। तो आपकी जो लिस्ट में बनाना जो है कितनी बार है, तो मैं क्या काम करता हूँ कि मैं बनाना इसको एक और बार यहाँ जो है लिख देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। हाँ तो आप जो है ना इसको रन करके देखते हो तो फिर आपको क्या दिखाएगा। ओके तो यहाँ पे मैंने किया क्या, यहाँ पे मेरा एक किया है आई डोंट नो व्हाई इट्स कमिंग, ये जो हमारा यहाँ पर आके ऐड हुआ भी नहीं, इसके पीछे का रीज़न क्या है। हाँ यहाँ पे इसके पीछे का रीज़न क्या है क्योंकि हमने बनानास को जो है वो ऑरेंज के साथ रिप्लेस कर दिया था, तो इसकी वजह से जो आपका बनाना एक ही बार अटेंड है। तो मैं क्या करता हूँ एंड तो मैं क्या करता हूँ उसको कर देता हूँ वेरिएबल कमेंट आउट। तो मैं अपने शेल को एक बार क्लोज करके दोबारा रन करता हूँ तो जिससे कि आपको अच्छा सा दिख पाए। तो मैं करूँगा इसको दोबारा रन, मेरा ये रन होगा और रन होने के बाद यस अब इसमें मेरे को दे दिया बनारस बनारस दो बार है भाई, देख लो मैंने सही गिना की दी। तो इसका मतलब है ना कि आपने जितने भी आपने लिस्ट के अंदर किस नाम को लिख रखा आप चाहते हो गिनना चाहते हैं कि वो कितनी बार लिखा गया है, कहीं वो गलती से ना हो गया हो, इसकी वजह से जो है ये यूज़ होता है। तो मैंने कहा बनारस गिनो भाई, तो उसने गिना बनारस दो दिखा दिया आपको यहाँ पे। तो काउंट बेसिकली है ये यूज़ काउंट का। तो
इसके साथ जो हमारा एक और जो है बेसिक लिस्ट ऑपरेशन कंप्लीट हुआ, अब आते हैं हमारे एक नेक्स्ट ऑपरेशन। सो तो जो हमारा नेक्स्ट जो है लिस्ट ऑपरेशन है वो है आपका जो है इंडेक्सिंग वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। तो जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं एक जो था यहाँ पर फ्रूट जो इंडेक्सिंग हमने लिखा टू, हमें तो वैसे पता था कि टू पे आपका जो है बनानास है इसलिए हमें पता था, लेकिन मान लो आपकी कोई बड़ी लिस्ट है, अब उस लिस्ट में आपको नहीं पता कि जो आपका अजय नाम का जो है एम्प्लॉई है वो आपकी कौन सी इंडेक्स में है। ठीक जी, बेसिकली यही होता है। इसको आप वेरिएबल में लिखे ना लिखे तो मैं उस 10 को जो है प्रिंट्स में लिख देता हूँ। ठीक, उसको मैंने प्रिंट्स में लिख दिया, फ्रूट्स डॉट इंडेक्स लिख देंगे, सीधा सीधा इंडेक्स लिख देंगे। अब मान लीजिए मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे जो है मैं एक नाम देता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ दे देता हूँ आपका एप्पल। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पे हम एप्पल लिखेंगे क्यों, क्योंकि एप्पल को हमने कहीं पे भी हटाया नहीं है, रिप्लेस नहीं किया है। तो ये जो शब्द है ना आपका, ये शब्द में होना चाहिए, पूरे के पूरे लिस्ट में होना चाहिए। ये मतलब कि ये खाने के सामान आपके इस पूरे लिस्ट में होना ही चाहिए, नहीं होगा तो ये आपका देगा है। अगर आपको यकीन हुआ तो आप अभी ट्राई करके देख सकते हैं, मैं तो करा ट्राई। तो यहाँ पे ना आपको जो लिस्ट है ना, लिस्ट में जो नाम है ना आपको वो यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो इसको मैं करता हूँ एक बार दोबारा ना, यहाँ पे आपको इंडेंटेशन का ध्यान रखना, मैंने ब्रैकेट्स नहीं लगाए इसमें, तो इसलिए मेरा ये एरर हो गया। अब नाउ यू कैन सी कि यहाँ पे मेरा जो जीरो है वो एप्पल पे, यानी कि जीरो इंडेक्स पे मेरा जो एप्पल है वो प्रेजेंट है। वैसे तो हम अगर मैथ की काउंटिंग से देखे तो फर्स्ट पोजिशन पे, लेकिन पाई कोड्स की लैंग्वेज में देखें ना तो ये जो हमारा जीरो हो गया, ये वन हो गया, ये टू थ्री एंड इज फोर। तो आई होप आपको ये जो है इजीएस्ट वे आपको किसी का इसमें किसी की आपको फाइंड आउट करना है कि किसी कौन से इंडेक्स पर आप चेंज कैसे कर सकते हैं, तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। तो अब बात आती है ना कि आप देखना चाहते हैं इसको पलट के। मेरा कहने का मतलब है कि आपने जिस तरह से लिस्ट को लिख रखा है ना, जैसे कि मेरा पहले पे जो एप्पल है दूसरे पे मैंगो है, अब मैं चाहता हूँ कि मेरा पीछे से प्रिंट हो, बनानास ग्रेप्स बनानास मैंगो एप्पल ऐसे जो है मेरा प्रिंट हो, तो इसके लिए भी जो है ना एक अलग से कोड होते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ प्रिंट, अब मैं यहाँ क्या करता हूँ फ्रूट्स डॉट रिवर्स, क्या कर देगा आपके जो कोड लिखे ना आपने लिस्ट वो आप कर देगा रिवर्स दे देगा। उसको मैं ऐसे कर देता हूँ तो कि मेरा हो जाए। अब मैं इसको करूँगा एक बार रिवर्स, के बाद एक बार इसको रन करूँगा, इसको तो अभी मैं करूँगा कैंसिल, क्योंकि मैं जो है शेल को पहले वाली शेल को कर देता हूँ बंद ताकि आपको क्लियरली शो हो। तो मैंने कर दिया इसको बंद, अब मैं उसको मैं करता हूँ रन। अब मैं इसको रन करूँगा ना जब, तो एज यू कैन सी अब मेरा नन क्यों शो हो रहा है, आई डोंट नो। तो मुझे लगा पता कि मुझे पता लगा कि जो फ्रूट्स और रिवर्स है वो टू यहाँ पे जो आपका नन शो कर रहा है, क्यों शो कर रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, तो पहले तो मैं करता हूँ प्रिंट को हटा देता हूँ। तो आपको इसे किसी वेरिएबल में देना भी नहीं है, इसको आप एज इट इज लिख देना, और आपको क्या कर देना है प्रिंट फ्रूट्स दोबारा से। ठीक है, तो जब आप ऐसे लिख के इसको करेंगे प्रिंट दोबारा से, तो ये आपका देगा रिवर्स डॉ। तो इसको हम एक बार देखते हैं मैजिक हुआ कि नहीं हुआ। यस मैजिक हुआ, ये हमारा आगे रिवर्स्ड वैल्यू में जो हमने यहाँ पे लिखा था ना, तो ये हमारा न्यू अपडेट अब इसको कर दिया इसने रिवर्स। चेरी बनाना से इधर आ गया हमारा ग्रेप्स, ग्रेप्स ग्रेप्स बनानास एंड एप्पल इसका लेंगे बैक। तो यहाँ पे हो गया ये रिवर्स कमांड हो गया एक तरह से यूज्ड आपका। सो आई होप आपको यहाँ तक जो है क्लियर समझ में आ गया हो कि जो हमारा लिस्ट है वो क्या से यूज हो रहे हैं, कैसे यूज हो रहे हैं। तो अब जो ना इसके साथ आता है शॉर्ट। शॉर्ट क्या कहता है कि ये आपका जो है ना कि छोटे से बड़ा असेंडिंग ऑर्डर में जो है ये आपका कर देता है प्रिंट। तो पहले आप मैं लिखता हूँ फ्रूट्स फ्रूट्स डॉट शॉर्ट, मैं दोबारा करता हूँ प्रिंट फ्रूट्स। प्रिंट अब मैं दोबारा करूंगा इसको रन, तब क्या देखते हैं शॉर्ट हो रहा है कि नहीं हुआ है, ऐसे होना तो चाहिए। यस, ये जो है ना आपका, ये आपका शॉर्ट हो क्या है, आप चाहे इसको उल्टा करके रखें या सीधा करके रखें, आपका शॉर्ट हो क्या, तो यही आने वाला है। तो ये हो गया आपका शॉर्ट असेंडिंग ऑर्डर। अगर बात करें हम डिसेंडिंग ऑर्डर की, तो
आपने ये निकाल लेना है इसका असेंडिंग ऑर्डर में, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में करने के लिए इसका उल्टा कर दीजिए सीधा, तो उल्टा करने के लिए रिवर्स है ऑप्शन है, तो ये आपको होगा डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ये बात आती है पूरी हमारे लिस्ट की, जो हमारे लिस्ट के ऑपरेशन से यहाँ पर ये भी जो है कम्प्लीट होते हैं। सो आई होप आप यहाँ तक तो जो लिस्ट आप कम्प्लीटली समझ में आ गया हो। कोई भी दिक्कत तो कमेंट बॉक्स में कमेंट डाउन कर दीजिए, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर करूँगा, ठीक है। तो आपको यहाँ तक अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक तो बनता है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक। तो अब जो है ना बात करते हैं लिस्ट स्लाइसिंग क्या होती है, इसको तो मैं दोबारा से कर देता हूँ क्लोज। अब लिस्ट स्लाइसिंग जो है मैं हैश करके ले देता हूँ, लिस्ट स्लाइसिंग। लिस्ट स्लाइसिंग के आपसे नाम से ही पता लग रहा है कि उसको स्लाइस कर देना, उसके कई सारे जो स्लाइसिस में कर देना। तो मैं ऊपर वाला जितना भी हिस्सा है ना ये सब जो है मैं करके उसको कर लेता हूँ डिलीट, ठीक है। तो मैंने इसको कर दिया डिलीट। अब बात हम करेंगे लिस्ट स्लाइसिंग जो है वो होती क्या है। तो लिस्ट स्लाइसिंग क्या है ना कि जो लिस्ट स्लाइसिंग इसमें हेल्प करते हैं कि लिस्ट को देखने के लिए कि आपका जो है, जैसे तो उसको मैं वापस आता हूँ क्योंकि लिस्ट स्लाइसिंग जो उसका ज़रूरी पार्ट होगा। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो उसको मैं एक नीचे कर लेता हूँ, हाँ। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है मैं कहता हूँ डिलीट, क्योंकि हमारे ये यूज़ में आएगा। तो लिस्ट स्लाइसिंग करेंगे हम किस तरह से, तो पहले तो मैं अपना लिस्ट का नाम लिखता, पहले मैं आपको करके दिखा देता हूँ कि मैं कहना क्या चाह रहा। फ्रूट्स आपको लिस्ट कैसे करनी पड़ेगी, किस तरह से, इस तरह से इसको तो लिखना पड़ेगा आपको प्रिंट फंक्शन में। लिस्ट स्लाइसिंग का स्टार्टिंग पॉइंट क्या होगी आपकी, मान लो मैं यहाँ पर 3 देता हूँ, यहाँ पर कॉलम बना देता हूँ, यहाँ पर 3, यहाँ पर मेरा 4 पैकेट बन रहा है, उसको करूँगा मैं उसको करूँगा एक बार रन, तो मेरा क्या एरर थ्रो करेगा, क्या करेगा, अब उसमें देख तो लेते हैं। बट मेरा ग्रैप्स थ्रो कर रहा है, वाई लिस्ट स्लाइसिंग क्या होती है, इसको स्लाइस कर दिया मैंने इस बाग में 3:4 ऐसे कहते हैं कि 1/2 हाफ ऑफ के आपको मिल जाए। तो उसी तरह ये काम यहाँ पे भी वही कर रहा है। 3:4 का मतलब क्या हुआ कि आपके अगर मेरे 1, 0, 1, 2, 3 ये हमारा हो गया 3, अब यहाँ पे हमारा ये 4। अब ये क्या है ना, ये आपको प्रिंट कर दिया 3:4 के लिस्ट स्लाइसेस कर दिया। और इससे मैं एक काम करता हूँ, इसको तो मैं करता हूँ कंट्रोल सी एंटर, कंट्रोल बी कर देता हूँ। अब मैं करता हूँ आपके पास 0, इसको डिलीट करके मैं यहाँ करता हूँ 3, उसको करने पर रन, तो मेरा क्या प्रिंट होगा, एप्पल मैंगोज बना। तो यानी कि पता है क्या क्या इसने इसने किया कि मेरा जो 0 इंडेक्स पे 1 एंड के और 3rd इंडेक्स पे जितने भी नंबर्स है ना वो सब लाके आपकी यहाँ पे इसने प्रिंट कर। तो इसने बस यही किया यहाँ पर और कुछ नहीं किया, स्लाइस कर दिया आपने। और अगर मैं ऐसे करूँ कंट्रोल भी यहाँ पे भी कर दूँगा, अगर मैं चाहूँ कि अब मेरा जो स्टार्ट हो वर्स्ट इंडेक्स है और ये चाहे मेरा एंड वैल्यू, तो मैं इसको खाली छोड़ दूँगा, तो ये अपने आप एंड वैल्यू ले लेगा उसके, और एंड वैल्यू में जो भी आपका नंबर लिख रखा है वो आपका नंबर जो है प्रिंट करके आपको बोलेगा। अब मान लो कि आपको पता नहीं कि आखिरी इंडेक्स कितने तक है व शुरुआत के इंडेक्स जो है वो कितने तक है, तो आपने इसको खाली छोड़ देंगे ना, तो ये अपने आप जो है ना उसके एंड पर चला जाएगा। तो मान लो मैं उसको भी खाली छोड़ दिया डिलीट करके, मैं उसको दोबारा से करूँगा, तो ये खाली होने के बाद तो फिर समझिएगा शुरू से लेकर एंड तक प्रिंट कर दूंगा मैं, क्योंकि दोनों खाली है। तो उसने जो है सेम काम यहाँ पे किया, दोनों तक प्रिंट कर दिया। तो स्लाइसिंग जो है ना बेसिकली यही काम आती है, स्लाइसिंग का जो है यूज़ होता है बहुत ज़्यादा, जब आप मैं आपको बताऊँगा आगे चल के एप्लीकेशन डेवलपमेंट जो कि आएगा बहुत जल्द, जैसे जैसे कोर्स जो है कम्प्लीट होता जाएगा वैसे वैसे वो आएगा। तो ये लिस्ट स्लाइसिंग जो है ना ये आपकी यूज़फुल होती है बहुत ज़्यादा। तो आपका ये यूज़ आपको समझ में आ गया हो कि लिस्ट स्लाइसिंग जो किस तरह से यूज़ होती है, लिस्ट क्या होता है। सो यहाँ पर हमारे जो हैं दो कॉन्टेक्स्ट जो है हमारे पूरे हो गए, कौन कौन से, लिस्ट हमारा जो है पूरा हो गया और लिस्ट स्लाइसिंग जो हमारी पूरी हो गई, बाकी बचा आपका टप्पल। टप्पल क्या है ना, बिल्कुल लिस्ट की तरह सेम होता है, बट ये क्या करता है कि ये जो है इम्यूटेबल, इम्यूटेबल मीनिंग यानी कि अनचेंजेबल। जैसे लिस्ट जो है उसको हम चेंज कर सकते थे, बट टप्पल को हम चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ये कलेक्शन है, ये किसी ऑब्जेक्ट्स का, किसी ऑर्डर्ड का।
एक बार क्रिएट होने के बाद ये जो है चेंज नहीं होता है। सो इसको भी ना यूज़ कर सकते हैं, तो फिर इसको यूज़ कैसे करेंगे कि जो आपने टपल है ना, टपल को आप ना बिना किसी ब्रैकेट्स में लिख सकते हैं। जो मान लीजिए मैंने इसको ब्रैकेट्स को कर देता हूँ, हटा देता हूँ, तो मैंने ये हो गया मेरा टपल। इसने समझ लिया कि ये है मेरा टपल। अब मैं क्या करता हूँ इसको, तो पहले तो मैं कर लेता हूँ कमेंट आउट। ये हमारा लिस्ट स्लाइसिंग है, एक बार इसको याद रखिएगा। मैं इसको कर रन, इसको काट देता हूँ क्योंकि मेरा नया टॉपिक जो है वो एक तरह से हो गया। सो तो काट दिया मैंने इसको, मैं इसको दोबारा से रन। यस, तो ये मेरा होगा रन। तो फिर ये देखिए यहाँ पे हमारा जो है इसको ब्रैकेट्स में, इसको इन ब्रैकेट्स में कर राउंड ब्रैकेट में इसको क्या प्रिंट, और राउंड ब्रैकेट में जहाँ पे भी आपको प्रिंट दिखे इस तरह से, तो वो समझ लीजिए आपका होगा टपल। यहाँ तक होगा हमारा टपल। अब मान लीजिए कि मैं यहाँ इसको हटा देता हूँ और मैं इसको करूँगा रन, तो क्या मेरा एरर थ्रो करेगा ये? सोचिए, एरर थ्रो नहीं। क्यों क्यों थ्रो नहीं करा? क्योंकि स्लाइसिंग जो है इसमें भी हो सकती है। स्लाइसिंग एक ऐसी चीज़ है जिसको आप ना टपल में कीजिए, लिस्ट में कीजिए, जैसे इसी में ही होती जा रहा था, इन्हीं में ही होती है। तो ये होती है हमारी स्लाइसिंग। और यहाँ पे आप देखिए बनाना जिसने छोड़ दिया, क्योंकि हमारे फोर्थ इंडेक्शन पे ये था, तो फोर्थ और थर्ड फोर्थ ये हमारा जो प्रिंट होगा, तो यहाँ पे हमारा ये गैप शायद इसने ले लिया, आई डोंट नो प्रिंट नहीं होगा। तो इसमें आपको एंडिंग वाली छोड़नी पड़ेगी, तब आपका जो आखिरी वाला प्रिंट होगा। तो अब बात आती इसकी, तो ये आपका हो गया टपल बनाना। आपने बना दिया टपल, तो फिर उसको अगर मान लीजिए मैं चेंज करना चाहूँ, तो चेंज करने के लिए आपको मैंने कैसे बताया था कि एक मैं मान लो वेरिएबल ले लेता हूँ, ए नाम का वेरिएबल ले लिया, मैं चाहता हूँ फ्रूट्स नाम है फ्रूट्स। अब मैं चाहता हूँ कि ना चेंज हो, चेंज की कौन सी जो इंडेक्सिंग वैल्यू है, सेकेंड इंडेक्सिंग वैल्यू जो हमारी चेंज हो जाए किस में, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ऑरेंज, ऑरेंज करता हूँ। अब मैं दोबारा करता हूँ प्रिंट फ्रूट्स, ठीक है। तो मैं करती हूँ उसको प्रिंट फ्रूट्स, अब मैं इसको करूँगा ओके। तब यहाँ पे मेरा क्या शुरू होगा? एरर। क्यों? क्योंकि जो टपल यहाँ पे भी कह रहा है कि टपल जो है वो इन आइटम्स असाइनमेंट को शो नहीं करता, सपोर्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि मैंने कहा टपल जो है इम्यूटेबल है, इनचेंजेबल है, उसको चेंज नहीं कर सकते। वंस क्रिएटेड कांट बी चेंज, उसको आप यहीं पर आके चेंज कर सकते हैं, नहीं तो फिर ऐसे नहीं कर सकते। लेकिन बट टपल का यही जो है एक डिसएडवांटेज होता है कि उसको आप चेंज नहीं कर सकते। इसके भी यूज़ है ना, इसलिए इसको जो है बनाया गया। अब इसके भी यूजेस क्या क्या है इसके हम ना धीरे धीरे देखें, क्योंकि टपल्स के यूज ना और लिस्ट के यूज ना, मैंने जैसे कि आपको बार बार बता रहा हूँ कि इनके यूज आपको आएंगे तब जब हम प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, क्या चीज़ के, एप्लीकेशन डेवलपमेंट, वेबसाइट डेवलपमेंट्स के। तो ये यूज आपके आते हैं प्रोजेक्ट, उनके यूजेस जो है इंपॉर्टेंट है। मैं कहता हूँ एक बार आपको मैं देखिए आप दे दूँ कि एक जो लिस्ट है और जो टपल है उनके लिस्ट में बीच में आपको मैं दे दूँ कि जो उनके डिफरेंस है, कि जो हमारा लिस्ट है वो चेंज हो सकता है, उसको आपको जो स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना ही पड़ता है, मैंडेटरी है, बट टपल में नॉट मैंडेटरी। आप उसको ऐसे लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो और हमारा जगह का सेकंड पॉइंट देखें कि जो हमारा लिस्ट है म्यूटेबल है, कि चेंज हो सकता है, जैसे कि आपने देखा, और टपल जो हमारा चेंज नहीं होता, आप इसको कह भी रहे कि टपल कांट भी चेंज हो सकता है। तो वैसे ना एक मैं बताऊँ कि लिस्ट है ना बेसिकली क्या यूज़ होता है, अगर इसका थर्ड डिफरेंस देखें ना, कि लिस्ट को हम तब बनाते हैं ना जब कोई हमारा कोई किसी चीज़ का, कोई हमारा डॉक्यूमेंट के नेम है वो हमारा जो फिक्स नहीं हो, वो हम छू चाहते चेंज होते रहे। जैसे एम्प्लॉयज के नेम जो है वो आज ये है, हमारा वो जो एम्प्लॉय छोड़ के चला गया कंपनी को, उसने छोड़ दिया, रिजाइन दे दिया कंपनी से, नया आ गया, तो उसमें जो है आपका ऐड हो जाएगा। लेकिन बट टपल क्या करता है कि एक बार जो कंटेंट आपका रह गया ना, वो आपका रह के रह ही जाएगा जब तक आप उसको यहाँ से पूरी की पूरी उस नाम से ना हटाएंगे, तब तक वो रहेगा, उसको चेंज आप नहीं कर सकते। मतलब कि ना अगर आप इसको समझे ना वेबसाइट में, तो ना क्या होगा, लिस्ट में अगर आप वेबसाइट में डालेंगे ना, अगर आप उसको हटा देंगे ना, वेबसाइट का सर्वर से हट जाएगा। लेकिन बट टपल में क्या होगा, फिर टपल में जो सर्वर में तब तक रहेगा जब तक उसका वेबसाइट का ओनर वहाँ से डिलीट ना कर। तो बेसिकली यही है, उसे वैसे ओनर कर नहीं सकता डिलीट, क्योंकि उसके पास ऐसे चांसेस नहीं होते, वो सब सर्वर में होता है। तो ये सब जो है आपको समझने में बेसिक चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ मैं आई होप कि आप यहाँ पे तीनों चीज़ें समझ में आ गई हूँ।
जो कि हमारी है लिस्ट, लिस्ट स्लाइसिंग एंड यूटपल। ठीक है, तो हमारा जो तीनों कॉन्सेप्ट है वो हो गया कंप्लीट। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको पसंद आई, आपके लिए वेरी यूजफुल हुई हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना चैनल को, वीडियो को लाइक भी जरूर कर देना। कोई भी डाउट कम प्लीज़ कमेंट डाउन। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।